समूचे देश के लिए हॉट सीट बनी बेगूसराय का यह मतदान केंद्र भी आज हॉट बन गया है, क्योंकि इस मतदान केंद्र पर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार खुद वोट डालने के लिए आए हैं और एक आम पब्लिक की तरह, आम मतदाता की तरह लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गए वो लाइन में खड़े हैं। आखिर कन्हैया कुमार को आम नेता और आम जनता से कितना अलग दिखाया जाता है, इसकी हम वानगी आपको दिखा रहे हैं कि एक आम मतदाता जिस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, कन्हैया कुमार ठीक उसी तरह से लाइन में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी माध्यमिक मध्य विद्यालय से कन्हैया कुमार ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, शैक्षणिक यात्रा शुरू की थी। आइए हम बात करते हैं कन्हैया जी से। कन्हैया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए आए हैं, और क्या लग रहा है आपको? पूरे देश को लोकतंत्र के इस महापर्व की बधाई, आपको भी। और इस चरण में जो प्रत्याशी और जो मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हार्दिक बधाई। और आपने कहा कि इसी स्कूल में आपने पढ़ाई शुरू की, कभी स्कूल की प्रार्थना में लाइन में खड़े होते थे और आज जो है चुनाव में वोट गिराने के लिए बतौर प्रत्याशी लाइन में खड़े हैं। हम समझते हैं यही आम लोगों की हकीकत है, उनके लिए हर जगह लाइन है, नौकरियों की लाइन है, राशन कार्ड बनवाने की लाइन है, इंदिरा आवास बनवाने की लाइन है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की लाइन है, स्कूल में लाइन है, अस्पताल में लाइन है, ट्रेन में चढ़ने की लाइन है, मेट्रो में उतरने की लाइन है, हर जगह लाइन में खड़े हैं। देश लाइन में खड़ा है और इस देश के जो नेता हैं वो इस देश के पूंजीपतियों के लाइन में खड़े हो गए हैं जाकर के। ये जो दो लाइन है, एक तरफ जनता का लाइन है और लोकतंत्र का लाइन है, दूसरी तरफ इस देश में धन कुबेरों का और नोट तंत्र का लाइन है। इस दो लाइन में जनता का लाइन जीतेगा, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कहते हैं कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बेगूसराय वो कारवां बनाएगा। बेगूसराय पूरे देश को ये संदेशा भेजने वाला है कि लोकतंत्र में यदि लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, इस साझे संघर्ष के लिए अगर साझी एकता बन जाए, तो ये लड़ाई हर हार में जीती जाएगी। जितना भी जोर वो लगा लें, इस बार बेगूसराय जीतेगा और बेगूसराय को बदनाम करने वाली ताकतें मुंह की खाएगी, परास्त होगी। चुनावी अभियान आपने पूरी तरह से चलाया, न कोई बड़े नेता कन्हैया के साथ, न कोई बड़ी पार्टी कन्हैया के साथ, लेकिन कन्हैया के साथ युवाओं की फौज, साहित्यकारों की फौज, कलाकारों की फौज। अब क्या लगता है, जिस तरह से आपके बूथ पर सुबह 6 बजे से ही लंबी कतार लगी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेगूसराय का उत्साह है और इस उत्साह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेगूसराय ने क्या मन बनाया है। बेगूसराय ने मन बनाया है कि इस बार दल से नहीं, दिल से वोट करेंगे, बेगूसराय को जिताएंगे, इस देश में संविधान को बचाएंगे। रही बात नेताओं के समर्थन की, तो मैं कहता हूं कि नेताओं का गठबंधन लोकतंत्र में जरूरी नहीं है, जनता का गठबंधन जरूरी है और जनता ने गठबंधन बनाया है। सब ने अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है और उसी लड़ाई का नतीजा है कि बहुत सारे लोग यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आए, जो नहीं आ पाए उन्होंने अपना नैतिक समर्थन दिया, क्योंकि वो उम्मीद पाले हैं बेगूसराय से। जब पूरा देश और दुनिया बेगूसराय को देख रहा है, मुझे भी उम्मीद है कि बेगूसराय इतिहास बनाएगा। लेकिन तीखा हमला हुआ कन्हैया पर, सीधा प्रहार, मोदी जब भी आए बिहार तो आपके ऊपर सीधा हमला, अमित शाह आए सीधा हमला, सुशील मोदी का सीधा हमला, और अंत समय में गिरिराज सिंह ने तो हमले की बारिश कर दी और वो हमला कर दिया जो नहीं करना चाहिए। देखिए, इन लोगों की फितरत है, ये जब काम नहीं कर पाए तो अपने विपक्ष को और विरोधियों को बदनाम करना शुरू कर दिया, लोगों को जेलों में डाला, लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, लोगों के को बदनाम करने की तरह तरह की कोशिशें की गई। लोगों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा और यही कारण है कि ये लड़ाई बेगूसराय में एक दल की, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की भावना की लड़ाई बन गई है। बेगूसराय के लोगों की भावना को आहत करने का काम इस सरकार ने किया, राष्ट्र कवि की इस धरती को राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश की, इसका बदला बेगूसराय जरूर लेगा। लेकिन बीजेपी ने, खासकर गिरिराज जैसे लोगों ने सीधा हमला किया कि ये बीजेपी, विपक्ष ने कहा, आरजेडी के लोगों ने कहा कि बीजेपी की बी टीम है कन्हैया, बीजेपी ने कहा कि ये आरजेडी के साथ मिले हुए हैं। क्या लगता है आपको कि एक साथ तीन तीन मोर्चे पर लड़ना, जो सामने में सीधा संघर्ष में उसके खिलाफ में, फिर जो विचारधारा है उसके खिलाफ? इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ, पूरा बेगूसराय खड़ा है। इसीलिए हमला तीन तरफा हो या चौतरफा हो, बेगूसराय के लोग इस हमले को झेल रहे हैं। और रही बात इन बातों का, मैं कहता हूँ कि हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग इंतजार करें, बेगूसराय अपना जवाब तैयार कर लिया है, 23 तारीख को इसका परिणाम आएगा। चुनाव का परिणाम क्या कहेगा? चुनाव का परिणाम बन गया है,
बस उसकी घोषणा होनी बाकी है, बेगूसराय जीतेगा। आज के बाद कन्हैया को आमंत्रण मिलना शुरू हो गया है, बुलाया गया है मध्य प्रदेश, फिर पूरे देश के लोगों की निगाह है, विभिन्न राजनीतिक दलों की निगाह है, क्या करेंगे कन्हैया? देखिए, जिले से राज्य, राज्य से देश बनता है। मेरी पहली प्राथमिकता बेगूसराय है और हम बेगूसराय में ज्यादा वक्त देंगे और जो वक्त बचेगा इस देश की जो लड़ाई है उसमें भी जरूर शिरकत करेंगे, उसमें भी हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कन्हैया कुमार, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है कन्हैया ने। कन्हैया ने दावा किया है कि बेगूसराय में उनकी जीत पक्की है और आज के बाद वो फिर समूचे देश में बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ अपना अभियान चलाएंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, बेगूसराय।